अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अ प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी नाइदर एंटर्स नॉर लीव्स द सिस्टम। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी ना ही सिस्टम में एंटर करवाई जाए और ना ही वो सिस्टम को लीव करे, यानी कि हीट ना ही इंक्रीज़ करवाई जाए एनर्जी और ना ही वो डिक्रीज़ हो। ठीक है, ना ही एनर्जी का लॉस हो ना ही एनर्जी एड हो। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। कंसिडरिंग अ गैस, एक गैस हम लोगों ने कंसिडर किया विच इज़ इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, जो एक सिलेंडर में इनक्लोज है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि पहली दफ़ा वॉल्स, पिस्टन दोनों चीज़ें नॉन कंडक्टर तो हैं, दोनों चीज़ें इंसुलेटर हैं। साथ में आगे आप देख सकते हैं, व्हेन द सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटर स्टैंड। ठीक है, साथ में जो उसकी बेस है उसको भी इंसुलेटर बना दिया गया है। आपका जो सिस्टम है उसको एक इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, एक इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रख दिया गया है, यानी कि बेस को भी पैक कर दिया गया है, बेस को भी नॉन कंडक्टिंग बना दिया गया है। ठीक है, सो देर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ हीट इन टू और आउट ऑफ द सिस्टम। तो ना ही हीट अंदर ट्रांसफर करवाई जाएगी, ना ही आप डेल्टा क्यू प्रोवाइड कर सकोगे और ना ही हीट जो है वो सिस्टम से बाहर निकलेगी। ठीक है, दैट इज़ डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेल्टा क्यू जीरो हो गया। आगे देखो, नाउ व्हेन द सिस्टम इज अलाउड टू एक्सपेंड बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। अब आपने टेम्परेचर तो नहीं बढ़ाया, सिर्फ प्रेशर इतना ज़्यादा था तो इसका वॉल्यूम जो है क्या किया हुआ था, इस सिस्टम को आपने कंप्रेस किया हुआ था, इसको दबाया हुआ था, इस गैस को। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने प्रेशर को कम कर दिया। ठीक है, अब प्रेशर ज़्यादा करने की जगह आपने कम कर दिया। जब आप प्रेशर रिलीज़ करोगे, जब आप प्रेशर कम करोगे, तो जो पिस्टन होगा वो यहाँ की जगह यहाँ ऊपर मूव कर जाएगा और आपका जो गैस का वॉल्यूम होगा वो फैल जाएगा। ठीक है, अब ये अगेन नोट करना कि हीट अभी भी ज़ीरो है, आप कोई हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से जो है क्या हो रहा है, आपके पास वर्क डन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से जो है आपकी जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर जब कम किया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्या हुआ आपके पास, रिड्यूसिंग द प्रेशर द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई है ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि आप कोई क्यू ऊपर से प्रोवाइड नहीं कर रहे हो और सिर्फ प्रेशर रिलीज होता जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द सिस्टम इज कंप्रेस्ड। अब आप सिस्टम को अब अगर इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, अगर सिस्टम एक्सपेंड नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर सिस्टम एक्सपेंड नहीं हो रहा है, दूसरा केस है अगर सिस्टम कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, अगर उल्टा काम हो रहा है, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और सिस्टम को आपने क्या कर दिया, जब इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा था अब उल्टा आ जाओ, अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब आ जाएंगे, इनमें हीट प्रोवाइड होगी, इनकी मूवमेंट बढ़ेगी, इनके दबेंगे, कंप्रेस होते जाएंगे, तो क्या होगा, इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नाउ इसकी ना एग्जांपल मैं इस तरह से आपको समझा सकती हूँ, जैसे एक कमरे में अभी 5 लोग हैं, खुला खुला है सब कुछ, तो जो है इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसी कमरे में मैं 25 लोगों को घुसा दूं तो क्या होगा, अगर गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं भी होगी तो भी उनको गर्मी फील होने लग जाएगी, घुटन होने लग जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप उसी तरह से यहाँ पर इस एग्जांपल से समझ सकते हो। ठीक है, अब जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू बन जाएगा वो ये बन जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू आपने कर दिया जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आपके पास हो जाएगा, और डेल्टा डब्ल्यू इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा यू आपके पास इक्वल हो जाएगा माइनस वर्क डन के। ठीक है, माइनस वर्क डन के। और इसको मैं इधर इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि देखना, जब आपकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हुई थी, ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ था, सिस्टम जो एक्सपेंड हुआ था, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ था। ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या हुई, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई और वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरे केस में आप देखना, जब गैस कंप्रेस हुई है तो इंटरनल एनर्जी आपकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। दूसरे केस में इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, जिसको आप पॉजिटिव लेते हो। ठीक है, और जो इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, और जो आपका क्या कहते हैं, उसके अलावा जो वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम किया गया है। ठीक है, इसको कंप्रेस किया गया है ना, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम किया गया, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, इस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी आपके पास है वो माइनस डब्ल्यू के इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आया, जब आपने डेल्टा क्यू को जीरो किया, डेल्टा डब्ल्यू इस तरफ मूव हुआ, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा, अब डेल्टा डब्ल्यू की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, पी डेल्टा वी पुट कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला हम लोग बार बार ड्राइव कर चुके हैं। तो ये है इक्वेशन आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस की।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में हमसे क्या कह रहे हैं। इन एडियाबेटिक प्रोसेस द वर्क इज़ डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। जितना भी वर्क किया जाएगा वो इंटरनल एनर्जी के नतीजे में किया जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इफ गैस एक्सपेंड इट विल बी क्लोज्ड, इट विल बी कूल्ड, ठीक है। अगर गैस आपके पास एक्सपेंड होती है, ठीक है, अगर गैस आपके पास फैलती है, अगर वॉल्यूम आपके पास बढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स रिलैक्स हो जाएंगे, दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, गर्मी नहीं होगी, वो कूल होंगे, एंड इट विल बी हीटेड ऑन कंप्रेशन। और अगर आप उल्टा करोगे, अगर आप कंप्रेस कर दोगे, अगर मॉलिक्यूल्स के ऊपर दबाव आएगा, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट हो जाएंगे, ठीक है। ग्राफिकली अ कर्व लाइन इन पीवी ग्राफ शोज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। ग्राफिकली आपको एक कर्व लाइन मिलेगी एडियाबेटिक प्रोसेस में, बट द कर्व ऑफ एडियाबेटिक इज स्टीपर दैन द कर्व ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। लेकिन आइसोथर्मल में भी आपको कर्व मिला था, एडियाबेटिक में भी आपको कर्व मिलेगा, लेकिन आइसोथर्मल का कर्व देखो, आइसोथर्मल ये है, आइसोथर्मल का कर्व ब्लू लाइन वाला और ये पिंक लाइन वाला है आपके पास एडियाबेटिक का कर्व। तो कहने के एडियाबेटिक का जो कर्व होगा आपके पास वो ज़्यादा गहरा होगा, बिकॉज ऑफ द रैपिड वेरिएशन इन टेम्परेचर इन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर में बहुत तेज़ी से, बहुत बहुत तेज़ी से फर्क आता है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से जो है प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। इसलिए ये जो होगा ये थोड़ा गहरा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के नतीजे में, ठीक है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो तो टेम्परेचर में वेरिएशन, टेम्परेचर में चेंज बहुत तेज़ी से आता है। अगर कंप्रेशन होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्या होगी, अगर एक्सपेंशन होगी, ठीक है, तो एक्सपेंशन के दौरान क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। तो बस ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।